आपकी जेब में रिकवरी का चेक है ना चाचू? नहीं, वो तो किसी और के पास चला गया। अब बस भी करिए, मजाक की भी कोई हद होती है। नहीं लक्ष्मी, ये मजाक नहीं है। जब मैं कह रहा हूं किसी और के पास चला गया तो समझो चला गया। ये तो क्या कह रहे हो राम, वो चेक किसी और के पास चला गया, लेकिन क्यों? भैया मैंने, भैया मुझे अपना एक पर्सनल कर्ज चुकाना था। पर्सनल कर्ज? ऐसा कौन सा पर्सनल कर्ज था तुम्हारा जो हमें नहीं पता? ये क्या बात हुई चाचा जी, कमाल है। एक मिनट राहुल, राम राम, तुम परेशान से लग रहे हो और कुछ बात छिपा भी रहे हो, लेकिन किन लोगों से? इन लोगों से जो तुम्हारे अपने हैं। राम, जो कुछ भी हुआ है सच सच बता दो। क्या वो पैसे खो गए? किसी बिचौलिया ने उसे हड़प लिया? ऐसा भी हो सकता है कि इतनी बड़ी रकम की जानकारी पाकर किसी ने तुम्हें धमकी दी? भाई ऐसी खबरें तो अखबारें हम लोग रोज पढ़ते हैं ना, 420 की खबरें, फर्जी सिग्नेचर की खबरें। ऐसा कुछ हुआ हो तो बता दो, इसका भी रास्ता निकाला जा सकता है। सब कुछ भी नहीं हुआ है भैया, सच तो यही है कि मैंने ही सुंदरमल से 40 करोड़ का कर्जा लिया था और उसके लगातार तकाजे के कारण मुझे वो कर्ज चुकाना पड़ा। आपने हमारा पैसा अपने पर्सनल कर्ज में यूज किया, ऐसा क्यों? मैं जान सकता हूं क्या मजबूरी थी आपकी? मजबूरी थी राहुल, थी मजबूरी। अगर ये कर्ज केवल मेरी जिंदगी से जुड़ा होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। लेकिन ये कर्ज अमित की जिंदगी से भी जुड़ गया था। अब कहना क्या था? ये बात समझ में नहीं आई राम, इस कर्जे से अमित की जिंदगी का क्या संबंध? भैया सुंदरमल ने कर्जा ना चुकाने की सूरत में अमित को जान से मार डालने की धमकी दी थी। ये जो एक्सीडेंट हुआ ना, ये भी इसी धमकी का ही एक हिस्सा है। इतनी सारी बातें हो गई राम और तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? अरे जरूरी तो ये तब समझते ना जब इनका दिल साफ रहता। इनके दिल में तो शुरू से पाप था। राहुल चिल्लाइए मत चाची जी, क्या कहानी सुनाई? इन्होंने सुंदरमल से कर्ज लिया, चलिए मान लेते हैं, उस कर्ज का क्या किया ये नहीं पूछते। दुबई से पहला इंस्टॉलमेंट आया वो इनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ और इनके अकाउंट से सुंदरमल के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, और ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि हमें भनक तक नहीं मिली। वाह चाचा जी वाह, क्या बात है, क्या प्लानिंग की है आपने। इनकी मजबूरी को तो प्लानिंग कह रहे हो राहुल, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे शर्म तो जिन्हें आना चाहिए उन्हें नहीं आ रही, तो आप मुझसे क्यों उम्मीद कर रही हैं? मुझे तो लगता है इन सब के पीछे आपका भी हाथ है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया राहुल। अब आप नीचे कीजिए चाची जी, कितना बन रही है आप भी। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पति के मन की बात पत्नी को नहीं मालूम हो? I don't believe this. सुषमा बेटी चुप हो जाओ, देवर जी जो कह रहे हैं कि अमित की जान को खतरा था तो हमें इस बात पे भी विचार करना चाहिए ना बेटे। अच्छा अमित की जान को खतरा था, कैसे? ये एक नॉर्मल एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। कम से कम अमित की जिंदगी का तो ध्यान कीजिए। जब घर के सारे जेंट्स आपस में बात कर रहे हैं तो आपको भी क्या बोलने की क्या जरूरत है? वीरेन तुम मुझसे बात करो, सुषमा से बात मत करो। और क्या, अगर घर के सारे जेंट्स लोग सही तरह से काम कर रहे होते तो फिर औरतों को बोलने की जरूरत ही क्या थी? अरे ये तो लुका छिपी का खेल हो रहा है और हमसे कहा जा रहा है कि चुप रहो। भाई वाह ये खूब रहे। सुषमा बड़े चाचा जी, घर की बात, बिजनेस की बात, कोई भी छोटी से छोटी बात, राम चाचा जी हम सबसे नहीं कम से कम आपसे तो ये बात जरूर डिस्कस करते थे। तो इतनी बड़ी बात उन्होंने आपसे भी छुपाई?
क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? चाचा जी मैं आपसे सवाल करती हूँ, मुझे जवाब दीजिए। मैं तुम लोगों को जवाब दूंगा। मैंने आज तक जो भी कुछ किया है सुषमा, अपने बूते पर अपनी मर्जी से किया है, समझी? और आगे भी करेंगे। आपके बेटे की जिंदगी के लिए हम अपने बेटे की जिंदगी दांव पे लगा दें? छोड़ दो सड़कों पर भीख मांगने के लिए? एक मिनट सुषमा, एक मिनट। यहाँ पर बात अमित और बॉबी का नहीं है। चाचा जी आपने जो कुछ भी किया ये आपका फर्ज था, आपने हम पर कोई एहसान नहीं किया। आफ्टर ऑल इस सोमानी कंस्ट्रक्शन के आप कर्ता धर्ता जो ठहरे। हाँ, और ये सोमानी कंस्ट्रक्शन जो इतनी ऊंचाई पर पहुंचा था ये भी इन्हीं की मेहनत का फल था। राहुल भूल गए वो दिन जब धूप में बारिश में ये गांव में भटकते थे, तब तो यही इसी जगह पाले में आराम से सोए रहते थे। राहुल इतनी सी छोटी बात के लिए तुम बेटा? इतनी छोटी सी बात नहीं है ये चाची जी, ये बात है पूरे 40 करोड़ रुपए की, ये बात है कबल की, धोखेबाजी की, जालसाजी की। राहुल पापा क्या राहुल राहुल कर रहे हैं आप? क्या राहुल राहुल कर रहे हैं आप? अरे कितना नाज था मुझे आप पर, कितना नाज था, लेकिन आपने आपने क्या कर दिया पापा, क्या कर दिया आपने? खुद तो सबके सामने गिरे और मुझे भी काश पापा मैं इस एक्सीडेंट में मर ही जाता। शुक्र है बाप भी नहीं, कम से कम बेटे में कुछ तो गैरत बाकी है। अमित बेटी तू भी मुझे गलत समझ रहा है। पागल हो गया है तू, क्या होश में नहीं है? आप समझाइए ना इसे। मुझे नहीं समझाना किसी को लक्ष्मी, ना ही किसी को जवाब देना है मुझे। आप जाता रहे चाचा जी, आपको सबके सामने जवाब देना ही होगा। मैं ये सब जरूरी नहीं समझता राहुल। राम जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। राम इन सब का हक है, बिजनेस में ये सब हमारे पार्टनर्स हैं, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की बात नहीं है ये। यही तो मैं इन्हें कह रहा हूँ चाचा जी, ये हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं होने दूंगा चाचा जी। ये आपने कौन सा नया सिस्टम घर में शुरू कर दिया चाचा जी? दुबई से पहला इंस्टॉलमेंट आया आपने रख लिया, दूसरा आएगा अमित को दे देंगे, तीसरा आएगा कोई और रख लेगा। मैं क्या हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूंगा? मैं ये सब नहीं होने दूंगा चाचा जी, मुझे मेरे हक का पैसा चाहिए। वरना 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 क्या, वरना क्या, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे तुम? राहुल ये क्या कह रहे हो तुम? क्या यही संस्कार दिए थे हमने तुम्हें? अरे ये क्या जाने संस्कारों में मजबूरियां भाभी, इसने तो सिर्फ सुखों को शेयर करना सीखा है, दुखों और मजबूरियों को नहीं। दुखों और मजबूरियों को शेयर, मुझे मेरे हक का पैसा चाहिए बस। भैया बहुत हो चुका भैया, इससे पहले की राम राम शांत हो जाओ तुम। इन लोगों का तरीका गलत हो सकता है लेकिन इनकी बातें सही हैं। अपने आप को तुम इनकी जगह रखकर देखो और फिर सोचो कि क्या इनके सवाल गलत है या तुम्हारा जवाब। मैं अपने आप को इनकी जगह रखकर देखूं? भैया ये आप क्यों देखूं? आज ये बच्चे ये कल के छोकरे मेरी बराबरी के हो गए, मुझसे जवाब तलब करेंगे ये? बच्चों को ना सही, मुझे तो जवाब दो। बताओ कि ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से ये सारी बातें तुमने छुपाई हमसे? क्या अमित हमारा बेटा नहीं है? वो तो मैं देख ही रहा हूँ भैया, किस घर में कौन किसका है और कितना है, कोई किसी का नहीं है, सबके सब सेल्फिश हैं यहाँ पे, एहसान फरामोश सारे के सारे। राम सब में मैं भी शामिल हूँ, बोलो राम जवाब दो और जो कुछ तुम्हारे मन में है साफ साफ बता दो। तुम्हारी कसौटी पर मैं भी खरा नहीं हूं ये मैं समझ गया हूं, लेकिन क्यों खरा नहीं हूं ये मैं जानना चाहता हूं। तो फिर सुनिए, क्या नहीं किया मैंने सोमानी परिवार के लिए, इसके बिजनेस को खड़ा करने के लिए? अरे अपनी पूरी जवानी झोंक दी मैंने, धूप में पसीना मैंने बहाया, कागज हमेशा मैंने तैयार किए, पॉलिसी हमेशा मैंने बनाई, पार्टी को मैं लाया, क्लाइंट को कन्विंस मैंने किया, हर बार क्राइसिस में गधे की तरह भाग भाग कर बिजनेस को संभाला मैंने। लेकिन बदले में मुझे क्या मिला, क्या मिला मुझे बदले में? इन कल के छोकरों के हाथों की जिल्लत, जो मेरी मजबूरी नहीं समझेंगे, मुझसे पैसे का हिसाब मांगेंगे,
और हिसाब नहीं देने पर मुझे चोर बेईमान और दरसाल समझिए। लेकिन चलिए भैया चलिए, वो सब भी मुझे मंजूर था, लेकिन आज आज आप भी लोगों के साथ खड़े हो गए, आप भी मेरी नियत पर शक कर रहे हैं भैया, आप भी लोगों के साथ मुझे चोर बेईमान और जालसाज समझ रहे हैं। वाह भैया वाह, अरे शर्म आती है मुझे आपको अपना भाई कहते हुए। अरे शर्म तो मुझे आती है राम, इन लोगों की बातों को तुमने इतना सीरियसली ले लिया, क्या कोई तुम्हें कोई पूछ नहीं सकता है? नियत तुम्हारी कभी मैंने शक नहीं की थी, लेकिन आज जिस तरीके से तुम बातें करते हो ना, मुझे शक करने पर मजबूर कर देते हो सकता है राहुल की बात सच हो। भैया पेशेंट इज सिंकिंग। डॉक्टर प्लीज अब
आप जल्दी आइए, पेशेंट इज कॉलेप्स, जल्दी आइए। सुनिए, आप रोइए मत, जान तो बच गई है पर खतरा आगे टला है। डॉक्टर साहब उन्हें होश कब आएगा? कुछ कहा नहीं पति ने तो उन्हें मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।